अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम सबसे पहले एडजेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक है, हमारे पास एडजेक्टिव की यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं। पहली है अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो नाउन को मॉडिफाई करें, नाउन को डिटेल में बताएं, नाउन को एक्सप्लेन करें। ठीक है, सेकेंड हमारे पास डेफिनेशन है अ वर्ड डैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की क्वालिटीज को डिफाइन करें, उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है ब्यूटीफुल हेड। एज यू नो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और एनीथिंग। ठीक है, नाउन किसी भी चीज, इंसान या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ लिखा है ब्यूटीफुल हेड। ठीक है, नाउ वी हैव एग्जाम्पल ब्यूटीफुल हेड। हेड इज अ नाउन एंड ब्यूटीफुल इज अ एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल जो है वो हेड की क्वालिटी है कि वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, सो एज वी लर्न इन द डेफिनेशन दैट अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ नाउन। ठीक है, ऐसे अल्फाज जो नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करें। तो यहाँ नाउन हमारे पास हेड है और उसकी क्वालिटी क्या है, वो कि वो ब्यूटीफुल है। सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स हमारे पास ऑलरेडी नाउन है एंड वाइट फ्लावर्स। तो व्हाइट हमारे पास एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है फ्लावर की कि वो व्हाइट है। देन व्हाइट फ्लावर्स एडजेक्टिव एंड नाउन। ब्लू पेन, पेन इज अ नाउन एंड ब्लू इज अ एडजेक्टिव। ब्लू इज अ क्वालिटी ऑफ अ पेन। ठीक है, एंग्री मैन, मैन इज अ नाउन एंड एंग्री इज अ एडजेक्टिव। एंग्री इज अ क्वालिटी ऑफ अ मैन। ठीक है, दैट मैन इज अ एंग्री। सो दिस इज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव। ओके, नाउ कम टू योर Now come to on grammar book page number 24 lesson 7 adjective। ठीक है, जैसे आपको पढ़ाया मैंने adjective क्या होता है, किसी भी चीज़ noun की quality या noun को describe जो words noun को describe करते हैं वो adjective कहलाते हैं। ठीक है, adjective describes noun, adjective noun को describe करते हैं। They are also used for comparison between things। हमारे पास adjective की 3 degrees होती हैं। फर्स्ट वन एडजेक्टिव, सेकेंड वन कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव, थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हमारे पास देन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम किसी एडजेक्टिव या वर्ड को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कंपेयर टू थिंग्स। कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स किस लिए यूज होते हैं, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पिक्चर आपको गिवन है जिसमें दो मेल या दो आदमी खड़े हैं। ठीक है, मैं आपको वर्बली एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अदील इज टॉलर देन नबील। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये अदील है और ये नबील है। देन अदील इज टॉलर देन नबील। तो अदील जो है वो नबील से टॉलर है। एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसमें पहला रूल है आपके पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव जनरली यूज ER आफ्टर द वर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉल अगर यहाँ पे एडजेक्टिव है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते वक्त हम उसमें ER का एडिशन करेंगे तो वो टॉलर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हमारे पास रूल है वर्ड्स एंडिंग इन Y। ऐसे वर्ड्स या ऐसे एडजेक्टिव जिनके एंड में वाई आ रहा है जनरली टेक IER आफ्टर देम। ठीक है, उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते वक्त उसके एंड में हम IER का एडिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल WINDY विंडी, इसके बाद वाई को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे IER का एडिशन किया है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, किस लिए यूज होती है, ये पढ़ते हैं। व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स। कंपैरेटिव डिग्री में दो चीजों के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तीन या तीन से ज्यादा चीजों को कंपेयर करने के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स जनरली यूज ESD आफ्टर द वर्ड। जब किसी एडजेक्टिव या वर्ड को सुपरलेटिव डिग्री में हमें चेंज करना है या कन्वर्ट करना है तो उसके एंड में ESD का एडिशन करना है। फॉर एग्जांपल सोवी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। हमारे पास यहाँ टॉल जो है वो एडजेक्टिव था। ठीक है, ESD हमने लगा दिया तो हमारे पास ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मतलब सबसे ज्यादा। टॉलेस्ट के बाद कोई डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के बाद कोई डिग्री नहीं होगी। दिस ऑल्सो मीन्स नो अदर गर्ल इज टॉलर देन सोबिया। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि सोबिया से लंबी लड़की क्लास में नहीं है।
देन फोर्थ रूल है हमारे पास, वी चेंज द वाई एट द एंड ऑफ एन एडजेक्टिव. जब सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त जब हमारे पास किसी एडजेक्टिव के एंड में वाई आ जाएगा, ठीक है, तो उसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते वक्त वाई की जगह हम आई ई एस टी का एडिशन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एल ए जेड बाय लेजी, ठीक है, यहाँ पे वाई को वाई की जगह रिप्लेस करके हमने आई ई एस टी का एडिशन किया है. कंपेरेटिव डिग्री में हमारे पास जब हम y को रिप्लेस करते हैं तो IER का एडिशन होता है. सुपरलेटिव में जब हम y को रिप्लेस करते हैं तो IEST का एडिशन होता है, ठीक है. देन आपके पास इफ एन एडजेक्टिव इज लॉन्ग एंड डजंट एंड इन y, अगर कोई एडजेक्टिव हमारे पास है और उसकी स्पेलिंग थोड़ी लंबी है या वो वर्ड थोड़ा सा बड़ा है, देन वी एड द वर्ड मोर और मोस्ट बिफोर देम, ठीक है. जब अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव कि स्पेलिंग या कोई वर्ड एडजेक्टिव हमारे पास थोड़ा लंबा है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी लंबी है या बड़ी है, तो उससे पहले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम उस एडजेक्टिव से पहले मोर या मोस का इजाफा करेंगे, मोर या मोस का एडिशन करेंगे, ठीक है. मोर हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा, मोस्ट हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री में यूज होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या है हमारे पास क्वालिटी है, एडजेक्टिव है. मोर ब्यूटिफुल, उससे ज़्यादा ब्यूटिफुल, कंपेरेटिव डिग्री में मोर आएगा. देन मोस्ट ब्यूटिफुल, देन सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटिफुल, मतलब सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है. ब्यूटिफुल क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, मोर ब्यूटिफुल उससे ज़्यादा खूबसूरत भी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, कंपेरेटिव डिग्री है. देन मोस्ट ब्यूटिफुल सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है. देन सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी रूल, कुछ एडजेक्टिव कोई रूल फॉलो नहीं करते, दे अंडरगो अ टोटल चेंज, ठीक है, वो पूरे चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैड बुरा, वर्स कंपेरेटिव डिग्री है उससे बुरा, वर्स्ट सबसे बुरा सुपरलेटिव डिग्री, गुड एडजेक्टिव है अच्छा क्वालिटी है, बेटर उससे ज़्यादा अच्छा कंपेरेटिव डिग्री है, बेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है. हमारे पास एज जैसे मैंने आप लोग को बताया था एडजेक्टिव कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीन कॉलम्स होते हैं. यहाँ पे टॉल है, ठीक है, y एंड में y नहीं है, खाली सिंपल सा एडजेक्टिव है. कंपेरेटिव डिग्री में टॉलर er का एडिशन हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में est का एडिशन हो गया, ठीक है. एडजेक्टिव में y आ रहा है, y को रिप्लेस करके कंपेरेटिव डिग्री में er का एडिशन होगा और सुपरलेटिव डिग्री में iest का एडिशन होगा, ठीक है. अगर कोई एडजेक्टिव y पे एंड नहीं हो रहा और उसके स्पेलिंग या वो बहुत बड़ा एडजेक्टिव है, देन वी एड मोर और मोस्ट बिफोर द एडजेक्टिव, ओके. देन वी हैव ब्यूटिफुल कंपेरेटिव डिग्री मोर ब्यूटिफुल, इन सुपरलेटिव डिग्री वी यूज मोस्ट ब्यूटिफुल, एडजेक्टिव डेंजरस इन कंपेरेटिव डिग्री वी यूज मोर डेंजरस, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट डेंजरस, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव, डन. देन वी हैव सम एडजेक्टिव डू नॉट फॉलो एनी रूल, ठीक है, दे अंडरगो अ टोटल चेंज. फॉर एग्जाम्पल गुड अच्छा, बेटर बहुत अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा, लिटल कम, लेस उससे कम, लीस्ट सबसे कम, मैनी ज्यादा, मोर उससे ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा, ठीक है. एडजेक्टिव आप लोग को स्टार्ट में मैं डिफाइन कर चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ. एडजेक्टिव ऐसा वर्ड्स जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे या नाउन को डिफाइन करे, ठीक है.